पार्ट नौ द्वितीय व्यवसाय। इससे पहले हमने अध्ययन किया प्राथमिक व्यवसाय का। प्राथमिक व्यवसाय में हमने खनन, आखेट, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना आदि का अध्ययन किया, तो वह सभी प्राथमिक व्यवसाय था। सीधा प्रकृति से संबंध था उन वस्तुओं का। किससे संबंध था? सीधा प्रकृति से संबंध था। आज हम द्वितीय व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय व्यवसाय में हम परिष्कृत वस्तुओं और अधिक मूल्यवान वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, यानी इसमें मानव द्वारा जो प्रकृति पद्धत वस्तुएं होती है उन्हें और अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है, परिष्कृत करके परिवर्तन कर दिया जाता है, उनका जो मूल रूप होता है उससे परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण ले, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क से क्या बना दिया जाता है? इस्पात, यानी शुद्ध लोहा प्राप्त होता है हमें। हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है कि लोहा किस प्रकार प्राप्त करते हैं हम भट्टियों के माध्यम से। दूसरा, हम कच्चा माल जैसे कपास, कपास से सूती कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा इस सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर आदि बनाए और कागज आदि बनाए जाते हैं। तो ये सभी क्रियाएं क्या द्वितीय व्यवसाय है और ये किस पे आधारित है? प्राथमिक व्यवसाय पे आधारित है। दूसरा, हम ले हमारे आसपास जैसे मटके तैयार किए जाते हैं, तो मटके क्या है? मिट्टी से तैयार किया जाता है। तो मिट्टी क्या है? प्राथमिक प्राकृतिक संसाधन है। उसको जब मटका, कच्चा मटका तैयार करने के बाद उसे जब वह कारीगर जो व्यक्ति होता है उसका उसे पकाने की विधि, और पकाने के बाद एक पोट हस्तकला है, ब्लू पोटरी या नीली काश्तकारी बोलते हैं उसे, तो उसके माध्यम से उस मटके के कलर किया जाता है नीला कलर। तो वह एक मटका ही लगभग 8,000 रुपए की लागत आती है उसमें, और लगभग 10-15 हजार का बिकता है एक मटका। तो यह कौन सी क्रियाओं में शामिल होगा? द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होगा, यानी इसमें अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ये प्रसिद्ध भी कहाँ का है? अपने जयपुर का है, ब्लू पोटरी। तो अब हम देखते हैं द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं। द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं? तो मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, आप फिर से देखो। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति पद्धत संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता, वरन उन्हें परिष्कृत कर व परिवर्तित करके और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। वह कौन सी क्रियाएं हैं? द्वितीय क्रियाएं हैं, यानी हम प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का सीधा उपयोग नहीं करते और उनका उपयोग परिवर्तित उनके गुणधर्मों को परिवर्तित करने के बाद किया जाता है। जैसे हम मिट्टी से क्या बनाते हैं? ईंट, तो उसका रूप स्वरूप परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ईंट बनाना, ईंट तैयार होने के बाद ईंट कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगी? द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आएगी। तो इसे और अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है। जिस दर पे मिट्टी ली जाती है और मिट्टी लेने के बाद उसे पकाने के बाद ईंट तैयार की जाती है, तो उसकी जो मिट्टी कच्ची मिट्टी की दर और पकी हुई मिट्टी यानी ईंट की दर अलग अलग होती है, यानी वह अधिक मूल्यवान होती है और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अब इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कुछ उद्योग है जो प्रमुख उद्योग होते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, व्यापारिक गहन व्यापारिक धातु कर्म, शक्ति उद्योग, भोजन में पेय पदार्थ, परिवहन, संचार उद्योग, यानी परिवहन और संचार तो किसमें आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। पर परिवहन और संचार के जो उपकरण तैयार किए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती है, वह किस के अंतर्गत आएगा? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इन सभी को बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण। क्या बोलते हैं? विनिर्माण। तो विनिर्माण क्या होता है, आइए हम देखते हैं अब आगे। विनिर्माण
विनिर्माण, विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चा माल उसको क्या किया जाता है, परिवर्तित करके पक्का माल तैयार किया जाता है, पक्का माल और अधिक परिष्कृत बनाया, यानी कच्चे माल से क्या किया जाता है, इसमें पक्का माल तैयार किया जाता है। वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि, इस्पात और लोहा, इससे इस्पात, कलपुर्जे आदि मशीनें तैयार की जाती है। तो वह क्या होता है, कच्चे माल से पक्का माल तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत विनिर्माण उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलना ही क्या है, विनिर्माण है। विनिर्माण उद्योग के नाम से अक्सर यह भ्रांति फैली जाती है कि इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, सिर्फ भारी उद्योगों में ही किया जाता है, यानी बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है, पर यह गलत है। इसका उपयोग विनिर्माण यानी किसी भी वस्तु का परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन किया जाता है, वो किसमें आएगा, विनिर्माण की क्रिया में शामिल होगा। इसमें हम ईंट वाला उदाहरण भी ले सकते हैं, मिट्टी के बर्तन भी ले सकते हैं, हस्तकला से संबंधित कुछ क्रियाएं भी ले सकते हैं इसके अंतर्गत। उद्योग अर्थात साधारण वस्तुओं में हम यह कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन, खिलौने, निर्मित आदि वस्तुएं। बड़ी मशीनों के अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे जहाज, रेल के डिब्बे, बड़ी मशीन और जलयान, हवाई जहाज आदि का कार्य भी विनिर्माण इसी के अंतर्गत शामिल होगा। वह सेवाएं अलग क्रिया के अंतर्गत शामिल होती है, पर उनके जो पार्ट्स होते हैं वह किस में शामिल होगी, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत रखी जाते हैं। निर्माण उद्योग में प्रयोग में की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं प्राकृतिक पद्धति होती है, जिन्हें कच्चा माल हम कहते हैं। धातु और इन्हें हम विनिर्माण की प्रक्रिया से गुजारने के बाद अलग अलग प्रकार से जानते हैं, जैसे इस्पात जैसे संयंत्रों से कलपुर्जे बनाते हैं, उसी प्रकार लकड़ी से कागज की लुगदी बनाई जाती है, कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है। किसी भी देश में निर्माण उद्योग के विकास के जैसे जैसे विकास बढ़ता जाएगा, उसकी राष्ट्रीय आय भी बढ़ती जाएगी, उसकी आय के साथ साथ उस देश का विकास भी बढ़ता जाएगा, यानी लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, इसमें अधिक व्यक्तियों की श्रम की आवश्यकता होती है। किसी भी देश में इस प्रकार का उद्योग अवस्थित किया जाता है तो वहां पर उस वह देश की श्रेणी की ओर अग्रसर होने लगता है, धीरे धीरे विकसित देशों की ओर अग्रसर होने लगता है, पर जो उच्च कोटि के विकसित देश है वह अब इन उद्योगों से किनारा करते करते जा रहे हैं, यानी आगे निकलते जा रहे हैं, इनसे चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों की ओर अग्रसर है। तो अब हम देखते हैं विनिर्माण उद्योग या उद्योगों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, वह और ये कारक इस पाठ के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण है। वह हम देखते हैं विनिर्माण उद्योग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखो, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक या विनिर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है इसके अंतर्गत कच्चा माल। उद्योगों को प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक है अपना कच्चा माल। कच्चा माल जो भी उद्योग होता है उसे प्रभावित कैसे करता है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत देखेंगे। जैसे हम देखें कि लोहा उद्योग है, लोहा उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें कोयले या लोहा इस्पात इस्पात की। तो लोहा अयस्क इस्पात तैयार करने के लिए हमें शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है, तो ये इस प्रकार का उद्योग कहाँ लगाया जाएगा, या तो जहां पर कोयला प्राप्त होता है उन क्षेत्रों में, या फिर लोहा प्राप्त होता है उन क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इसी प्रकार
जलवायु, यानी कि वहां की जलवायु कैसी है, परिवहन के साधन उपलब्ध है या नहीं है, शक्ति के साधन, पूंजी, कुशल श्रमिक, बाजार, जल आपूर्ति और सरकारी नीतियां, ये सभी इनको प्रभावित करती है। तो इन्हें हम ये सभी कारक मुख्य कारक उद्योगों को प्रभावित करने वाले, और इनमें हम पहला उद्योग देखते हैं कच्चा माल पे आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी कच्चा माल कैसे प्रभावित करता है हमें। तो किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल सुगमता पूर्वक पर्याप्त व सस्ती दर पर चाहिए होता है। अतः अधिकतर उद्योग खानों, कृषि क्षेत्रों के निकट या उनमें प्राप्त होने वाले जिस प्रकार का उद्योग होता है उन्हीं के पास, उन्हीं के समीप अवस्थित किए जाते हैं या लगाए जाते हैं। उसके इस वजह से जैसे भारी उद्योग है कोई, तो वह कहाँ पे लगाए जाएंगे, जहां पर उनका कच्चा माल प्राप्त होता है उनको, लोहा उद्योग, लोहा या कोयले के पास लगाया जाएगा, सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के पास लगाया जाएगा। इसी प्रकार हम देखें कि फल सब्जियां जैसे जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, तो वह उद्योग कहाँ लगाया जाएगा, जहां पर इनकी माल यानी माल विक्रय हो सके या आवश्यकता होती है उनके समीप फल सब्जियां अवस्थित की जाएगी, लगाई जाएगी। दूसरा, कुछ माल कच्चा माल ऐसा भी होता है जो खराब नहीं होता, जैसे रुई देखे हम, तो रुई ऐसा है कि उसे कितनी दूर लेके जाए या कितने दिन बाद लेके जाए, वह जितना है उतना ही कपड़ा उसे तैयार किया जाएगा। कपास है, तो ये उद्योग ऐसे हैं कि वे कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं कपड़ा तैयार करने के लिए। तो कपड़ा तैयार करने के लिए जैसे हम देखें जापान में अधिकतर वस्तुओं के लिए कच्चा माल आयातित किया जाता है, द्वितीय किरायों का जहाँ जो भी निर्माण किया जाता है वहां पर उसका क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। तो वहां पर कपड़े बनाने के लिए कपास का आयात भारत, अमेरिका, मिस्र, ब्राजील आदि देशों से आयात किया जाता है और कपड़ा तैयार किया जाता है उन क्षेत्रों में। दूसरा कारक है जलवायु। अब देखते हैं हम दूसरा, जलवायु कैसे प्रभावित करती है उद्योगों को, जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे कुछ उद्योग तो ऐसे होते हैं उनके जलवायु से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो जलवायु से प्रभावित होते हैं। तो इन उद्योगों में मुख्य उद्योग है जैसे कपास। कपास की फसल उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे आर्द्र प्रदेश होते हैं, यानी बारिश अधिक हो, उन क्षेत्रों में कपास की कृषि की जाती है। तो इन क्षेत्रों को वहाँ की जलवायु प्रभावित करेगी, तो वहाँ की आर्द्र उष्ण जलवायु होनी चाहिए, कपास बोते समय तापमान अधिक होना चाहिए, कपास का समय कम होना चाहिए, बारिश कितनी प्राप्त होनी चाहिए, वो सब देखा जाता है। दूसरा उद्योग जैसे हम देखे फिल्म उद्योग, तो फिल्म उद्योग के लिए क्या होता है कि बारिश रहित प्रदेश चाहिए, यानी बारिश कम हो, 12 महीने प्रकाश हो वहां पर। तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि बारिश होगी तो उनका जो वीडियो शूटिंग बनाने का प्रोग्राम है वो कैंसिल होगा, तो इससे वह उद्योग प्रभावित होगा उनका। इस वजह से उद्योग को स्थापित करने के लिए उनके लिए दूसरा प्रमुख कारक क्या माना जाता है, जलवायु, कि वहाँ की जलवायु कैसी है। अति कठोर जलवायु भी नहीं होनी चाहिए, अति सीमित जलवायु भी नहीं होनी चाहिए, मानव के रहने के लिए अनुकूल जलवायु होनी चाहिए वहाँ की। तो वहां पर अगर जलवायु अनुकूल होगी तो जो श्रमिक होगी उनकी कार्य क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी, वह अधिक समय तक कार्य कर सकेंगे। जलवायु परिवर्तित होती रहेगी तो मौसम के अनुसार वह कई बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते हैं वहां के श्रमिक, लेबर। तीसरा हमारा कारक है जो जलवायु इसको प्रभावित करने वाला है, परिवहन व संचार सुविधाएं हैं। तो परिवहन में संचार देखो हम देखते हैं कि कैसे प्रभावित करते हैं उद्योगों को।
परिवहन के संसाधनों का जिन क्षेत्रों में विकास होगा उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास भी सुगमता पूर्वक होगा। परिवहन के संसाधन क्या करते हैं, तो कच्चा माल उद्योग जहाँ पे स्थापित होते हैं वहां लाने में सहायक होते हैं, दूसरा वहां से तैयार माल ले जाने में सहायक होते हैं, तीसरा वहां पर जो श्रमिक आते हैं उन्हें लाने ले जाने का ढोने का कार्य भी परिवहन के माध्यम से किया जाता है। यानी जिन क्षेत्रों में परिवहन के संसाधनों का विकास होता है उन क्षेत्रों में उद्योग को विकास भी सुगमता पूर्वक हो पाता है। दूसरा संचार के संसाधन है टेलीफोन, रेडियो, टीवी, टेलीग्राफ, ईमेल आदि किए जाते हैं, तो इन्हें भी प्रभावित करते हैं उद्योगों को। ये तो किसी प्रकार की न्यूज देनी होती है तो वहां पर नेटवर्क की समस्या या इन संसाधनों का अभाव पाया जाता है, तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने में काफी कठिनाइयां होती है उन क्षेत्रों को। जैसे इस प्रकार के क्षेत्रों का विकास हम विश्व में देखें तो उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देश, हम इस बोर्ड को अगर विश्व माने तो यूरोपीय देश यहाँ पे अवस्थित होंगे, उत्तरी अमेरिका था इधर, तो इन देशों में क्या हुआ है, इनका विकास अधिक हुआ है क्योंकि परिवहन और संचार का जाल वहाँ पर विकसित अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है। अफ्रीका, भारतीय प्रदेश, एशिया, इन प्रदेशों में क्या हुआ है कि परिवहन के संसाधनों का अभी तक भी पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है, सड़क, रेल, वायु इन सभी का अभाव है इन क्षेत्रों में। इस वजह से इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हीं क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाते हैं जहाँ पे पहले से अवस्थित उद्योग है, क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, हर जगह ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है इन देशों में, तो इन देशों में परिवहन और संचार के साधनों का अभाव होता है। अगला टॉपिक है अपना शक्ति के संसाधन। शक्ति के साधन, शक्ति के साधनों को हम चार नंबर दे देते हैं। देखो शक्ति के साधन कैसे प्रभावित करते हैं कि लोहा है, स्केल हो या इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें कोयले की आवश्यकता होती है। यानी शक्ति के साधन उसे गलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता होती है। तो अधिकांश उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, लोहे से संबंधित उद्योग कोयले के समीप स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि कोयले को जो लाने ले जाने का परिवहन ढोने का कार्य किया जाता है वो अधिक खर्चीला होता है। इस वजह से ये कहाँ पे स्थापित किया जाता है, जहाँ कोयले के क्षेत्र होते हैं उन्हीं क्षेत्रों के समीप स्थापित किया जाता है। जैसे हम देखें कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका आदि क्षेत्रों में कहाँ स्थापित किया जाता है, कोयले खदानों के पास स्थापित किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात के प्रमुख केंद्र जैसे दामोदर घाट के क्षेत्र के आसपास स्थापित किए गए हैं, जरिया, रामगंज, बोकारो आदि लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है, इन कोयला क्षेत्रों के पास स्थापित है, रानीगंज, बोकारो, झरिया इन्हीं के पास स्थापित किए गए हैं। दूसरा एल्युमिनियम उद्योग देखे हम तो वह इनके पास स्थापित किया जाता है, जल सुविधाओं के यानी जल आपूर्ति के पास स्थापित किया जाता है, इनके लिए जल विद्युत उपलब्ध होनी चाहिए शक्ति के रूप में। यानी इनको शक्ति किससे प्राप्त होती है, जल विद्युत के द्वारा प्राप्त की जाती है। इस वजह से एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाता है, जहाँ पे जल उपलब्ध हो ताकि जल से विद्युत बनाई जा सकती हो और विद्युत से ये शक्ति का कार्य प्राप्त करते हैं। दूसरा उद्योग देखें हम पेट्रोलियम उद्योग, गैस आदि, तो इन उद्योगों का विकास उन क्षेत्रों में क्यों नहीं हो सका, क्योंकि इनके लिए क्या किया गया है कि इनको पाइपलाइन के द्वारा नेत्र दूसरे क्षेत्रों में ले जाया गया है, तो एक बार का खर्चा होने के बाद बारह इनका रख रखाव का ही खर्चा होता है, ज्यादा अधिक खर्चा नहीं हो पाता। इस वजह से पेट्रोल को अनेक क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा गया है, गैस को भी पाइपलाइनों के माध्यम से भेज दिया जाता है। इस वजह से इस प्रकार के उद्योग उन क्षेत्रों में विकसित नहीं हुए हैं जैसे कोयला, एल्युमिनियम, लोहा आदि उद्योग स्थापित हुए हैं उन क्षेत्रों में जहाँ स्थित है वह। अगला कारक है अपना पूंजी। पूंजी कैसे प्रभावित करती है, पूंजी देखो पूंजी कैसे प्रभावित करती है किसी भी उद्योग को,
उद्योग स्थापित करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, तकनीकी वस्तुएं खरीदने के लिए, श्रमिकों को वेतन देने के लिए, इनके लिए किन की आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जिन व्यक्तियों के पास पूंजी अधिक होती है वह इस प्रकार के उद्योगों में निवेश अधिक कर पाते हैं। कुछ व्यक्तियों को सरकार के द्वारा भी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, पर जिनके पास पहले से इस प्रकार की पूंजी ज्ञान उपलब्ध होता है वही इस प्रकार की का रिस्क उठा पाते हैं उद्योग लगाने का। अगला कारक है अपना कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक 6 नंबर। देखो कुशल श्रमिक यानी विश्व के अनेक देशों में आज कुशल श्रमिकों की आवश्यकता घटती जा रही है, क्योंकि उनका स्थान किसने ले लिया? तकनीकी मशीनों ने, कंप्यूटर ने, स्वचालित कंप्यूटरों के द्वारा उनमें सोचने समझने की क्षमताएं भी विकसित की जा रही है। फिर भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है उन्हें ऑपरेट करने के लिए, उन मशीनों को, तकनीकी मशीनों को, कंप्यूटरों को संचालित करने के लिए, और उनमें अभी भी सोचने समझने की वो क्षमता विकसित नहीं हो पाई है कंप्यूटरों में इस प्रकार की। तो इसलिए कुशल श्रमिकों की आज भी विनिर्माण उद्योग में आवश्यकता है। पहले के अनुपात में कम है फिर भी इनकी आवश्यकता अधिक होती है। मशीन हर कार्य नहीं कर सकती है। अगला है बाजार। बाजार को हम पॉइंट नंबर 7 देते हैं। बाजार यदि किसी भी देखो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए उसका मूल उद्देश्य होता है कि वह मुनाफा कमा सके, तो वह देखेगा कि वह माल तो तैयार कर लेगा पर उसे बेच कहाँ पाएगा, उसके लिए क्या चाहिए? उसे बाजार चाहिए। बाजार कहाँ अधिक होगा? जहाँ पर लोगों की क्रय शक्ति अधिक होगी। जनसंख्या हो ना ही बाजार नहीं है, जनसंख्या तो हर देश में है पर वहां की जनसंख्या की क्रय शक्ति कितनी है, यानी उनके पास पैसे कितने है ये भी देखा जाता है जनसंख्या के साथ साथ, यानी उनकी क्रय शक्ति कितनी है। तो इस प्रकार के बाजार मुख्यतः भारत, दक्षिण एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, चीन, इन क्षेत्रों में अधिक विकसित हुए हैं। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है, यानी बाजार शक्ति देखा जाता है, बाजार की कितनी क्षमता है, कितने प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाए, किस प्रकार का उद्योग लगाया जाए ताकि वहाँ के लोग उस प्रकार के संसाधनों को खरीद सकते हैं। इस प्रकार बाजार भी उद्योगों को प्रभावित करता है। कुछ ऐसी वस्तुएं स्थापित की जाए जिनकी उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यकता ही नहीं होती है, तो वहाँ पर जो उद्योग स्थापित किया जाएगा उसे दूसरी जगह निर्यात करने में अधिक खर्चा वहन होगा, तो वो उद्योग पनपेगा या नहीं उसका खतरा होता है। इस वजह से उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं? जहाँ पर बाजार स्थित हो, बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं। अगला कारक है जलापूर्ति। जलापूर्ति जलापूर्ति कुछ ऐसे उद्योग है जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते। वैसे तो सभी उद्योगों को जल की आवश्यकता होती है, यानी श्रमिकों के लिए पेयजल की व्यवस्था होती है, पर वो कम आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनको जल की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे लोहा अयस्क उद्योग, कृषि उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, अगला उद्योग आण्विक उद्योग यानी परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। उन क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग उनके लिए जल आपूर्ति अति आवश्यक है। शक्ति जैसे विद्युत जल बनाई जाती है तो उसके लिए जल की अति आवश्यकता होती है, यानी ये उद्योग जल पर आधारित होते हैं। अगला है सरकारी नीतियां। अपना 9वां और लास्ट अंतिम पॉइंट है सरकारी नीतियां। तो सरकारी नीतियां देखो सरकारी नीतियां उद्योगों को प्रभावित करने में अति महत्वपूर्ण आवश्यक है। सरकारी नीतियां प्रभावित करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहे या तो पहले भारत में सरकारी नीतियां अति कठोर थी, अनेक प्रकार की कागज कार्रवाई करनी होती थी। अब अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत में उद्योग स्थापित करना चाहे तो वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है यहाँ के उद्योग के लिए, अपने
और उसका वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन किया जाता है, उसे समझाया जाता है कि यहाँ पर जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है। टैक्स के लिए कई सरकार की नीतियां ऐसी होती है कि उद्योगों पर अधिक टैक्स लगा दिया जाता है, कुछ सरकारें ऐसी होती है कि जो निजी उद्योग होते हैं उनका अधिग्रहण कर लिया जाता है। जैसे भारत में पहले बैंकों का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इस प्रकार से अधिग्रहण किया जाता है तो वहां पर जो विदेशी कंपनियां हैं वह निवेश नहीं कर पाती है। सरकारी नीतियां जैसे किसी उद्योग को भारी घाटा हो रहा है तो वहां पर क्या की जाती है, उसमें छूट दी जाती है। तो इस प्रकार से सरकारी नीतियां प्रभावित करती है। कुछ अन्य कारक है जैसे बैंकिंग सेवा क्षेत्र आदि भी इन उद्योगों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारक, सस्ती भूमि, ये भी कारक इनको क्या है प्रभावित करते हैं। उद्योगों को लगाने के लिए सस्ती भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, सस्ता श्रम उपलब्ध होना चाहिए। तो हम ये 9 पॉइंट है, इनको तो याद हमें रखना ही है। ये सभी कारक क्या है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सभी कारक आपको समझ में आ गए होंगे। कच्चा माल, जलवायु, परिवहन, संचार शक्ति के साधन, पूंजी, कुशल श्रमिक, बाजार, जलापूर्ति, सरकारी नीतियां।